ठीक है, तो तिलक में जाने के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। 5 बजने वाले हैं, 5 पे निकलना था, 5 बज भी चुका है। हाँ, और सब पूछेगा सोनी कौन है, तब मेरी भतीजी है। और ये है हमारी मामी गया से। अब तू आ गए, अब ठीक है जाओ। वो कंफर्टेबल नहीं होता है। कौन? हे फैमिली, तो हम सभी लोग रेडी हो चुके हैं। हे फैमिली, तो सुबह सुबह अभी शिवांश को हजमोला चटाया जा रहा है। इसका रिएक्शन देखना। देखो ना। लेकिन इसको टेस्टी तो लगा है थोड़ा सा। फैमिली, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और आप सभी को फिर से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे फैमिली की तरफ से। और मैंने रेडी हो चुकी हूँ, ये ग्रीन वाला सूट पहना है, साड़ी पहना नहीं, क्योंकि शिवानंद परेशान कर रहा था तो टाइम लगता इस वजह से। और यहाँ पे एडिटिंग चल रही है, पतिदेव एडिटिंग कर रहे हैं, तब तक हम जा रहे पूजा करने। गाइस, आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है महाशिवरात्रि, तो हर हर महादेव। कमेंट में करना। ही फैमिली, तो आ चुके हैं हम देवता घर में, और देवता घर में ही रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, बहुत कंजस्टेड हो गया है। चप्पल देखो तो दादी के बाल पीछे से देख रहे हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है। देख रहे तो अभी पूजा करने के लिए सारा सामान इकट्ठा कर रहे हैं। पापा जी कह रहे हैं फूल लाने के, वहाँ जाएगा काट देंगे। तो यहाँ पे केला, तो यहाँ पे फूल आ चुका है, और यहाँ पे प्रसाद भी आ चुका है। Hey guys, महाशिवरात्रि है और सुबह सुबह सभी लोग, सारे फैमिली मेंबर्स पूजा कर रहे थे। और महाशिवरात्रि बहुत स्पेशल होता है, आज तो बहुत जगह जागरण भी होती है, रात भर लोग जगते हैं, पूजा पाठ होता है, कीर्तन होता है, डांस होता है। तो वैसे ही आपको पता है शंकर भगवान को भांग धतूर ये सब काफ़ी पसंद है, तो सभी इकट्ठा होकर अभी फाइनली पूजा हो रहा है। और आज सीन ये है कि आज भाई का तिलक भी है, मौसी के लड़के की, तो हमें पटना भी जाना है आज के दिन ही। तो अभी पूजा पाठ होगा, मम्मी को फास्टिंग में ही जाना होगा पटना, मम्मी बहुत परेशान होने वाली है और मम्मी की तबीयत भी सही नहीं है। गाइस, तो आज महाशिवरात्रि है और ये देख सकते हैं यहाँ पे भाई पूजा कर रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं रेडी होने, बिकॉज आप लोगों को पता ही है कि हमारे घर में शादी है, और वो भी दो दो, एक तो घर में शादी है, बाकी एक इनकी मासी की बेटे की शादी है। सो वहाँ पे भी जाना है हमें, और आज तिलक है वहाँ पे, तो तिलक के लिए रेडी होना है। और समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनूँ, तो देखते हैं जो भी अच्छा लगेगा पहन लेंगे। बाकी मम्मी भी नीचे रेडी होने गई है, और शिवांश को मैंने इनको दे दिया है कि वो थोड़ी देर उसको घुमाएंगे, तब तक मैं रेडी हो जाऊंगी। क्योंकि शिवांश को लेके पहले मैं रेडी हो जाती थी, उसको बिठा देती थी, खिलौने दे देती थी, आराम से खेलते रहता था, तो आराम से मैं रेडी हो जाती थी। लेकिन अब उसको ना खिलौने में इंटरेस्ट है, ना ही फोन देखने में है, फोन भी नहीं देखता है गाना वाना। और जो भी मेरे चीजें होते हैं ना, जैसे मेकअप ये चीजें होती हैं, या टीवी के पास कुछ रखा होता है, कुछ भी सामान, या ड्रॉर में कुछ भी रखा होता है, या चूड़ी मेरा देख लेगा, सारा बिखेर देता है, तो वो काम और बढ़ जाता है। तो मैंने कहा कि उसको थोड़ी देर के लिए आप घुमाने के लिए लेके जाइए, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। बाकी मैंने सोचा है कि एक पिंक कलर का लहंगा है और एक स्काई ब्लू कलर का, तो मैंने सोचा है कि उन्हीं दोनों में से कोई पहनूंगी। बाकी मम्मी भी नीचे गई हैं रेडी होने, और मम्मी बोल रही थी कि वो ग्रे वाली साड़ी पहनेंगी, ग्रे कलर की है एक, तो वो वाली मेहंदी कलर की आई थिंक। और तैयार होके रूम भी थोड़ा बहुत साफ करना पड़ेगा, क्योंकि कपड़े छत पर से लाए थे तो वो ऐसे ही रखे हुए हैं, उसको भी फोल्ड करना है। और
आज है शिवरात्रि, तो रास्ते में हम सब मंदिर घूमते हुए जाएंगे। रास्ते में जैसे शिवरात्रि के दिन सभी जगह, बहुत जगह तो मेला लगता है, और स्पेशली मेरे नानी के यहाँ भी मेला लगता है, और मम्मी वहीं पे गई हुई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आता है जब मैं, जब पहले की बात है, शादी के पहले की बात, तो मम्मी जाती थी तो मैं भी जाती थी मम्मी के साथ नानी के यहाँ शिवरात्रि वाला मेला घूमने, और वहाँ पर एक मंदिर है तो वो बहुत ही प्यारा है, तो कभी जाएंगे हम सब साथ में वहाँ पे घूमने। हो गया मम्मी मेकअप, हो गया चले जाओ। क्या चीज़? अच्छा वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो तिलक में जाने के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। 5 बजने वाले हैं, 5 बजे निकलना था, 5 बज भी चुका है, और अभी नीचे मम्मा तैयार हो गई है, अभी ऊपर इनको तैयार होने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, और मेरा तो कोई ठीक नहीं है, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, जींस वगैरह डालूंगा और जींस टी शर्ट और निकल जाऊँगा। ठीक है, मम्मी रेडी हो चुकी है। मम्मी कौन रेडी किया आपको? सोनी। हाँ, और सब पूछेगा सोनी कौन है तब? सोनी मेरी भतीजी है। और ये है हमारी मामी, गया से आई है अभी। हाँ, मामी की बेटी है लेकिन छुप गई। आ गई आ गई, अब अम्मा छुपो, आ गई तू। हो गया रेडी, हो गया बोलो ना बेटा। हाँ चलो आगे अब तू आ गई, अब ठीक है जाओ, अब तू आ गई। बरात भी लेना है तुम्हारा, सीढ़ी से नीचे आएगी तब। अरे देख बोलो ना यार। दीदी गुरु रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले मम्मी रेडी हो गई है तिलक में जाने के लिए, और मम्मी पटना जाना है, काफी लेट लग गया। हाँ हमको भी क्या करना है, हम भी जींस और जैकेट डालेंगे बस, हमको ब्लेजर वेजर नहीं पहनना है, वो कंफर्टेबल नहीं होता है। मम्मी का मेकअप देखिए, सोनी की है, सोनी। ठीक है, बहुत लोग ये पूछ रहे होंगे सोनी कौन है। सोनी बता दूं आपको, मामा की बेटी है जो आई हुई शादी के लिए, मामी भी आई हुई है और वो भी आई हुई है, तो हम ब्लॉग में कभी इंट्रोड्यूस करवा देंगे। वैसे ब्लॉग में आई है, आज वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा। हे फैमिली, तो हम सभी लोग रेडी हो चुके हैं, और रेडी होने में मुझे कुछ ज़्यादा टाइम लग गया, तो ये गुस्सा भी हो गया है, और शिवांश भी रेडी हो चुका है, तो जल्दी चलते हैं नीचे। बाकी जो भी ज़रूरत की सामान थी वो सब ले चुका है, और नीचे चलते हैं बस। हे गाइस, सो रहे टाइम 5:40, और अभी अंधेरा होने ही वाला है, मतलब 15-20 मिनट में अंधेरे भी हो जाएंगे, 6 बजे के आसपास में अंधेरा हो जाता है, और इस टाइम हम सभी लोग रेडी होकर निकलने वाले हैं पटना के लिए। चलो निकलते हैं। ये लड़की बहुत बदमाश है, देखिए मार रही है। Vamos a intentar de terminar.